समय हम मौजूद है जेपी बिस्ट टाउन सेक्टर 128 नोएडा में। जैसा कि आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन है हुआ है, साथ ही यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्पोर्ट के कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ है। हमारे साथ सांस्कृतिक और स्पोर्ट कार्यक्रम पर बात करने के लिए स्पोर्ट और संस्कृति के कोऑर्डिनेटर सुरेश चंद्र शर्मा। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आयोजन आपने दुर्गा पूजा में किया स्पोर्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को? हाँ, ये हमारा WTSS की तरफ से विश टाउन संस्कृति समिति हमने मनाई लास्ट ईयर, और हमने जो फेस्टिविटी लाने की कोशिश की, जो कोविड में प्रॉब्लम चल रही थी, लोगों को बाहर निकाला, रेजिडेंट्स को, उनकी फैमिलीज़ को, और जो फेस्टिवल्स मनाने शुरू किए। इस साल हमने सोचा कि फेस्टिवल से और थोड़ा सा ऊपर उठें, हम लोगों को और जोड़ें, तो हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटी ली। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हमने 10 टूर्नामेंट्स कराए। मैं अगर नाम के नाम आपको क्या क्या टूर्नामेंट हमने कराए हैं, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, लॉन टेनिस, स्क्वाश, टीटी, पूल, चेस, कैरम, ये सारे हमने वीकेंड्स में कराए। लास्ट 3 वीकेंड्स में हमने यही काम कराया, तो मेरे पास मोर देन 450 एंट्रीज आई। तो उसी बेसिस पे हमने ड्रॉज बनाए, और सब बच्चों को हमने 5 कैटेगरीज बनाई, लेस देन 12, 13 to 18, देन 19 to 45, 45 to 60 एंड 60 एंड अबव। सभी एज ग्रुप्स को हमने लिया, लेडीज़ को लिया, बच्चों को लिया, मिडिल एज लिया, सभी कैटेगरी के लोगों को लिया, और अराउंड 100 प्राइजेज हमने बांटे, फर्स्ट एंड सेकंड, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल। तो अभी हम संपन्न करके हटे हैं इसको। इसके बाद हमारी आगे दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा फेस्टिवल हम इसका नाम लेते हैं, बिकॉज हम ये 5 दिन का हमारा फेस्टिवल है, तो 4 दिन हम कल्चरल प्रोग्राम करते हैं और 5वें दिन विसर्जन होता है माता का। तो इसमें 4 दिन के जो कल्चरल प्रोग्राम है उसका भी मैं हेड हूँ, तो कोऑर्डिनेट करता हूँ। मेरे पास अपनी टीम है, अपनी मैं टीम लेता हूँ। जैसे हम बच्चों के लिए ऑडिशंस लिए, हमने ड्राइंग पेंटिंग में उनके प्राइजेस बांटे, फिर हमने स्पॉन्सर्स करके, कैमलिन हमारे स्पॉन्सर्स थे, उनसे उनको प्राइजेस दिलवाए, फिर हमने फैशन शो कराया, बहुत पॉपुलर रहा यहाँ कल्चरल में, और फिर बच्चों के भी ऑडिशंस करा के उनको स्टेज पे हम लेके आए। हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे डेवलप हों, और जितना हम सिखा सकते हैं, हम आगे से वॉलंटियर भी हमने लिए हैं, जो ड्राइंग और पेंटिंग की टीचर है वॉलंटियर हमें मिल गए, म्यूज़िक टीचर मिल गई है, कोरियोग्राफर टीचर मिल गई है, तो अब इनको और डेवलप कराएंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोग्राम और अच्छे कराएंगे। और हमारे जो कल्चरल प्रोग्राम में अभी जो नेक्स्ट आएगा आइटम, नेक्स्ट डे हमारा जो कल होने वाला है, वो सीनियर्स के लिए हमने कराया है। हम कोई कंपटीशन नहीं है करा रहे हैं, इट्स बेसिकली आपका जो पोटेंशियल है विश टाउन में लोगों का, उसको हम एक जगह लेके आ रहे हैं, एक पेडेस्टल दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि सारे मिलजुल कर आएँ। और हमारे पास ये जो मेला लगता है, ये पूजा फेस्टिवल, इसमें जो अटेंडेंस रहती है अबाउट 1500 to 2000 फुटफॉल रहता है, तो आई थिंक सब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे पास मोर देन 40 स्टॉल्स हैं, मीडिया हमारा काम कर रहा है, और माता का भजन सुबह से शाम तक लगा रहता है पंडाल में, और विधि के हिसाब से, विधि से करते हैं। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं सोशल सर्विस में हूँ, आफ्टर रिटायरमेंट आई रिटायर्ड एज जॉइंट सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड उसके बाद आई वेंट इन टू द NGO, हमारी कराची एजुकेशन सोसाइटी है, जहाँ मैं सोशल वर्क करता हूँ। सोशल वर्क हमारा है कि हम हेल्थ कैंप्स लगवाते हैं, एक स्कूल हमने अडॉप्ट किया हुआ है गिटोरनी में, गवर्नमेंट स्कूल, और बच्चों को रिक्रिएटिव एक्टिविटीज़, उनके लिए मोटिवेशनल टॉक्स, और हमारी NGO जो करती है बेसिकली मेरा इनपुट जो रहता है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में रहता है, कम्युनिकेशन स्किल्स वो मेरा फील्ड है, और टाइम मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं उनको थोड़ा कोशिश करता हूँ कि उनको थोड़ा उनका स्तर जो है उससे ऊपर ले जा सकूँ, उनकी पर्सनैलिटी को निखार सकूँ। बाकी सर, मैं उम्मीद करूँगी जो आप बच्चों के लिए काम कर रहे हैं वो इसी तरह से करते रहें। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसी सोशल सर्विस देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।